नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा कैप डिजाइन लाई हूँ। मैंने इसे छोटे बच्चे के लिए बनाया है, 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाया है। फंदे बढ़ाकर आप इसे बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रेचेबल है, ऊपर से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसमें देखिए कहीं जोड़ का पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ से हुई है। देखिए, फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो मेरा ये टोपी डिजाइन अच्छा लगे तो प्लीज इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। इसे बनाने के लिए मैंने 30 फंदे लिए हैं। फंदों को बढ़ाकर या कम करके आप इसे किसी भी साइज का बना सकती हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। तो चलिए हम कैप बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे, और ये वुल वर्धमान का 4-ply का पतला ऊन है जिसमें रेशम का एक धागा लिपटा रहता है। तो हम 10 नंबर की सिलाई पे सिंगल थ्रेड से 30 फंदे डाल लेंगे, और डालने के बाद ये हमारा पहला लाइन है और सामने से। तो सबसे पहले हम 2 फंदों को लेंगे, ये पहला और दूसरा, 2 फंदों को लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। शेष सभी फंदों को हम सीधा बुनते हुए लास्ट में पहुंचेंगे, तो उतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। अब आपने देखा कि पहले और दूसरे फंदों को मैंने एक साथ बुना, यानी कि एक फंदा यहाँ पे घटा दिया। 30 फंदे थे, एक फंदा घट गया, बचे 29 फंदे, और लास्ट फंदा ये बचा हुआ है। तो हम इसमें 2 बार बुनेंगे, एक बार सीधे से और एक बार बैक लूप से। तो यहाँ शुरुआत में हमने फंदा घटाया यानी कम किया, और लास्ट में फंदा बढ़ा दिया। तो हमारी सिलाई पे जितने फंदे थे उतने ही फंदे रह गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम सामने की तरफ हैं, और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम लेंगे और फिर इसी दाहिने फंदे पे, दाहिने सिलाई पे दूसरे फंदे को भी ले लेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया। अब शेष फंदों को हम सीधा बुनते हुए लास्ट में पहुँचेंगे। सभी फंदों को हमें सीधा बुन लेना है, और सीधा बुनते हुए हम अंतिम फंदे पे पहुँचेंगे। देखिए, हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया, अब लास्ट फंदा बचा हुआ है। तो चूंकि हमने एक फंदा यहाँ घटाया है, तो एक फंदा कम हो गया है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम आखिरी फंदे में 2 बार बुनेंगे, एक बार फ्रंट लूप से और एक बार बैक लूप से। तो यहाँ पे हमारे फंदे अब बैलेंस हो गए। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा 5वां लाइन है, और हम सामने से हैं। तो अब मैंने अपना दूसरा कलर लगाया है, और फिर हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दूसरे कलर के उल से सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। शेष सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम लास्ट में पहुंचेंगे। तो इसी टेक्निक पर मैंने एक फ्रॉक डाला था, शायद आप लोगों ने देखा हो, शायद ना देखा हो। तो मैं उसका लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है और पैटर्न यही है जिस तरह शुरुआत में भी फंदा घटाना है और लास्ट में बढ़ाना है, इसी पैटर्न पे मैंने उस फ्रॉक को बनाया था, तो आप उसे देख लीजिएगा। अब लास्ट फंदा बचा है तो इसमें हमें दो फंदे बनाने हैं, एक सीधी तरफ से और एक बैक लूप से। तो देखिए ये ऐसे तिरछा बनता चला जाएगा। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा छठा लाइन है, तो पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और अब हम शेष फंदों को, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। आखिरी फंदे को छोड़कर बाकी सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो मैं ये लाइन कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब लास्ट फंदा बचा है तो उन अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा सातवां लाइन है, तो पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, अगले फंदे को साथ में लेंगे और सीधा बुनते हुए दोनों फंदों को दो का एक करेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, लास्ट वाले फंदे को छोड़कर शेष सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब लास्ट फंदा बचा है तो उन दूसरी ओर करेंगे और इस फंदे को हम एक बार सामने से सीधा बुनेंगे और एक बार बैक लूप से सीधा। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो पहले फंदे को हम ऐसे, तो अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा आठवां लाइन है, तो पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और शेष सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। पूरी लाइन हम सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो अपने फर्स्ट कलर से हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और फर्स्ट कलर से सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे पे पहुंचेंगे। तो हम लास्ट फंदे पे पहुंच गए हैं और इस फंदे पे हमें दो फंदे बनाने हैं, एक फ्रंट लूप से और एक बैक लूप से। बैक साइड से हम फ्रंट फंदे को स्लिप कर लेंगे और शेष फंदों को उल्टा बुनेंगे और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने अपने फर्स्ट कलर से दो लाइन बना लिया, दो लाइन और हम बनाएंगे और चार लाइन फर्स्ट कलर से कंप्लीट होने के बाद चार लाइन सेकेंडरी कलर से, दूसरे कलर से बनाएंगे। तो हम हर सीधी लाइन में शुरुआत में दो फंदे का एक करेंगे, यानी एक फंदा यहाँ घटाएंगे और लास्ट में एक से दो करेंगे, यानी यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो इस साइड में हम फंदा घटाएंगे और इस साइड में फंदा बढ़ाएंगे, तो ये ऐसे तिरछा बनता चला जाएगा। इधर से फंदा घटेगा और इस साइड से फंदा बढ़ेगा, यूं ऐसे तिरछा होता चला जाएगा। एक रंग के ऊन से हम चार लाइन बुनेंगे, फिर अगले रंग के ऊन से चार लाइन। तो मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना बना लिया है। आपको जिस किसी का भी बनाना हो, उसके सिर की ऐसे गोलाई हम नाप लेंगे, तो उसी के हिसाब से ये लंबाई, इस पट्टी को उसी के हिसाब से हम लंबा या छोटा करेंगे। और एक दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि देखिए, हमने ये प्लेन बुनते हुए शुरुआत किया था, तो लास्ट हम इस डिजाइन पे करेंगे, यानी हम आठ आठ का
पैटर्न दोहराते जाएंगे। तो ये मैंने चार लाइन बुन लिया है, यानी कि अब सेकंड कलर वाला चार लाइन अभी बचा हुआ है। हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और सेकंड कलर के उनसे सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे के पास पहुंचेंगे। तो अब ये हमारा लास्ट फंदा है। तो इस फंदे में हम दो बार बुनेंगे, एक बार सामने से और एक बार बिना फंदे को गिराए इसे घुमाएंगे और बैक साइड से एक बार और बुन लेंगे। तो हमने एक फंदे से दो फंदा बना लिया, इधर एक फंदा घटाया और लास्ट में एक फंदा बढ़ा दिया। रॉन्ग साइड से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट कलर है, इसे हमने काट लिया था क्योंकि अब इससे बुनाई नहीं करनी है, तो हम इसको काट लगा लेंगे। अब फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले फंदे को और दूसरे फंदे को, और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब उनको अपनी ओर करेंगे, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये लास्ट फंदा बचा है, तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसमें हम एक बार सामने से सीधा बुनेंगे, फिर बिना गिराए इसी फंदे में एक बार पीछे से सीधा। अब रॉन्ग साइड से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा, पीछे वाले को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। एक एक फंदा हम सीधा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो न हम बहुत धीरा हाथ चलाएंगे, न बहुत टाइट हाथ चलाएंगे, एक नॉर्मल वे में हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे। यह फंदों को क्लोज कर रहे हैं, सभी फंदों को हम क्लोज कर लेंगे। तो हमने सभी फंदों को क्लोज कर दिया। अब इस लूप को बड़ा करेंगे और गोले को इसमें से निकाल लेंगे और इसे हम टाइट कर देंगे और अब इस धागे को हम काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। कोई भी हम एक धागा लगा लेंगे और फंदे उठाना शुरू करेंगे। ऊपर से हमने चार लाइन बनाया है, तो हमें वहां से दो फंदे उठाने हैं। देखिए, दो फंदे इस लाइन से, फिर दो फंदे अगले लाइन से। तो हर पट्टी से जितने ये हैं उतना दुगना लगभग फंदा उठ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम सभी फंदे उठा लेंगे। तो मैंने 56 फंदे उठा लिए, 56 स्टिच, जितने ये स्टिप गए हैं प्रत्येक से दो दो फंदे उठाए हैं, तो टोटल ये 28 स्टिप्स हैं। तो इसका दूना हो गया, यानी कि 56 फंदे। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो सभी फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट फंदा बचा है तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम सामने की तरफ हैं,
तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनना है। पूरी लाइन हम उल्टी बुन लेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए, फिर हम रॉन्ग साइड में हैं, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और शेष सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे ताकि ऊपर हमारे उल्टे फंदे आए। तो हम पूरी लाइन को सीधा बुन लेंगे। तो मैं बुन के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा उल्टा बुनेंगे क्योंकि हम रॉन्ग साइड में हैं। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब हम दूसरे कलर के उल से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। जैसे हमने ये बनाया है डिजाइन, उसी तरह हम ऊपर भी बनाएंगे। तो चार लाइन हम अपने दूसरे कलर से भी बनाएंगे, चार चार लाइन हम दोनों कलर से बनाएंगे। जैसे स्ट्रिप हमने इधर बनाया, ऐसे ही हम ऊपर की तरफ भी बनाएंगे। तो हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। हम फिर सामने की ओर है, तो फिर इसी कलर के उनसे हम दो लाइन और बनाएंगे। सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, यानी हम अपना चार लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चार लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चार लाइन कंप्लीट कर ली। अब फिर हम पहले रंग के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब हम इस कलर से भी चार लाइन बुनेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे, रॉन्ग साइड दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे, फिर हम राइट साइड में आ जाएंगे, तीसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे और रॉन्ग साइड चौथी लाइन में सभी फंदे सीधे। तो हम दूसरे कलर से भी चार लाइन बना लेंगे। तो चार लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चार लाइन कंप्लीट कर ली। अब फिर हम चार लाइन अपने प्राइमरी कलर के उनसे बुनेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदा सीधा बुना, फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर पांच फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदों को सीधा बुनते हुए दो का एक कर लिया। फिर हम पांच फंदे सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो उन्हें हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो पिछली बार हमने पांच फंदे सीधा बुने थे, एक फंदा यहाँ पे घट गया, यानी अब हमें चार फंदे सीधे बुनने होंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक। फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चार फंदा बुनने के बाद फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब फिर हम अपने दूसरे कलर के ऊन से बुनेंगे। तो पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक। फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन। नेक्स्ट दो फंदे को लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब कि हम तीन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे और तब दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तीन फंदों को सीधा बुना, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे और लास्ट में दो फंदे ही बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो अब हम रॉन्ग साइड में हैं और पहले फंदे को स्लिप करेंगे और शेष सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये लाइन सीधा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सेकेंडरी कलर से दो लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। फिर दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर दो फंदा उल्टा। तो दो फंदा उल्टा बुनते हुए, फिर दो फंदों को एक साथ लेके दो का एक करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदा उल्टा बुना, फिर दो फंदों को एक साथ लेके और उल्टा बुनते हुए दो का एक। दो फंदा उल्टा, दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए दो का एक। फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुनते हुए दो का एक। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा उल्टा और शेष सभी फंदे सीधे। अब फिर हम दूसरे कलर के उल से बुनेंगे। तो पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक। फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक। फिर एक फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में दो ही फंदे बचेंगे, तो दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब इस दूसरे कलर का काम नहीं है, तो इसको काट लेंगे और गांठ बांध लेंगे। अब हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे।
दो दो फंदों को लेते जाएंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ 8 फंदे रह गए हैं, तो रॉन्ग साइड से हम इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हमने धागे को काट लिया और सुई में डाल लिया है। अब क्या करेंगे कि ऐसे पीछे की तरफ से इन सभी फंदों में हम इस सभी फंदों को इस सुई पे हम उतार लेंगे। उतार लिया, अब इसको हम ऐसे खींच लेंगे और एक बार और हम इन फंदों में सुई को ऐसे घुमा लेंगे। तो हमने सभी फंदों में धागे घुमा लिए हैं, देखिए, और इसको ऐसे टाइट कर लिया है। ये कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ है, देखिए ये इस तरह बनके तैयार हुआ है। अभी हम इसकी सिलाई नहीं करेंगे, वरना हमें नीचे से फंदे उठाने में बहुत कठिनाई होगी। तो अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, सुई को हम ऐसे खोज देते हैं और यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करते हैं। अब हम फिर दूसरे साइड से भी फंदे उठाएंगे। जितने हमारे आसानी से उड़ जाएं उतने फंदे हम उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 74 फंदे उठाए, जितने आसानी से उठ गए हैं उतने फंदे आप उठा लीजिए और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, तो दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, सामने से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी उल्टा। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम 6 धारियां बनाएंगे, यानी 12 लाइन हम बुनेंगे। उल्टे फंदों की 12 लाइन बुनेंगे। तो 12 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया। 6 उल्टे फंदों की धारियाँ रॉन्ग साइड से हैं और 6 राइट साइड से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब ये 13वां लाइन है और इसमें हम सभी फंदों को क्लोज करेंगे, तो उनको अपनी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को भी हम 22 लाइन में चढ़ा देंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। फिर इस फंदे को 22 लाइन में चढ़ा देंगे, फिर दो फंदे लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। तो हम दो दो फंदों को लेते जाएंगे, उल्टा बुनते जाएंगे। फिर इस वाले फंदे को, दाहिने सिलाई वाले फंदे को, वापस बाएं वाले सिलाई पर चढ़ा देंगे, फिर दो फंदों को लेंगे एक और दो का एक कर देंगे, उल्टा बुनते हुए। इस तरह करके हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ होने लगे हैं। और जब हम उल्टी साइड से, देखिए उल्टा बुनते हुए हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं, तो देखिए एक सीधे फंदों की ये चेन, सुंदर सा चेन बनता हुआ चला जा रहा है। देखिए कितना क्लीन आ रहा है। तो हम दो दो फंदों को लेंगे, उल्टा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को क्लोज कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को क्लोज कर लिया। अब इस लूप को थोड़ा बड़ा करेंगे और धागे को काटेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे हमारा टोपी तैयार हुआ है। अब हमने यहाँ धागा रखा हुआ था, तो इसको उठाएंगे और इसको उल्टा कर लेंगे और हम एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड, ये जो हमने एज छोड़ा है उसी में ऐसे डाल डाल के और सिलाई करते जाएंगे। हम चाहे तो सीधी तरफ से भी सिलाई कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरा एक फंदे में ऐसे डालेंगे, फिर इधर जो उल्टे फंदों की धारी गई है उसी में हम ऐसे डालेंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में।
खींच देंगे तो हमारा धागा दिखाई नहीं देगा। फिर देखिए जो सीधे फंदे हैं उसमें एक पूरे फंदे को ऐसे लेंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। देखिए फ्रेंड, आपको सिलाई पता चल रहा है कि कहाँ से हुआ है? देखिए कितना सफाई आया है। तो इसी तरह हम अब इसकी भी सिलाई कर देंगे। उल्टे फंदों में ऐसे ले जाएंगे, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में। देखिए सिलाई कहाँ से हुई है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और अब हम धागे को दूसरे साइड में निकाल लेंगे। अब जितने धागे बाहर निकले हुए हैं ये सब इनको हम अंदर कर देंगे और काट लेंगे। पहले हम इन दोनों में गांठ लगा लें। जितने धागे निकले हुए हैं सबको सुई से या क्रोशिए से इसको अंदर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैप बनके तैयार है। चाहे तो यहाँ पे पम्पम भी लगाया जा सकता है। देखिए ये स्ट्रेचेबल है, ये ऐसे बना है। ऊपर से देखिए तो इस तरह इसका लुक आया है। ऊपर से इसका लुक ऐसे आएगा। तो कैप आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये टोपी डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।